जसले जनता मैले लोक गरै छकै यो पृथ्वीनारायण शाह आदमी नेपाल के निर्माता थे। हम कहै छी जे इतिहास पढ़ू आ इतिहास पढ़ के देखू जे गंडक सब पश्चिम खस राज्य के मैले नेपाल भीतर में मिलावे के काज मानदेव के नेतृत्व में जे मैले 2000 हाथी आ घोड़ा के सेना वाला 19 वर्ष के कलियुग उमेर में कांट उमेर में जे मानदेव मैले गंडक सभा का कर्णाली तक के भाग में नेपाल में एकदम मिला देखी वह पूर्व के मैले की कहे जे अरुण कमोर तक के भाग में मैले नेपाल में मिला देखी जेकर बाद देखब जे के समय में कहूं जे विस्तार में लिए गंगा सभा का तिब्बत तक आऊं ना कश्मीर सभा को भर कामरूप तक कि विस्तार जे भले वो नेपाल वो स्वर्णकालीन इतिहास वो स्वर्णकालीन गौरव फिर कहियो नहीं प्राप्त भले अप्राप्त हृदय भी हृदय भविष्य के कभी ना चर्चा कर लेकिन वो गौरव प्राप्त नहीं हो सकते वो पृथ्वी नारायण शाह द्वारा वो गौरव के प्राप्त नहीं कर सकते जो लिच्छवी के लिच्छवी के रहे लिच्छवी वही इन्हीं के नेमा भीतिष्ट अर्थात मैं ये हमने कहा जब मनु के बेटा मैं ये इच्छाकु के बेटा निमी अनिमी के भाई मैं ये नेमा भीतिष्ट जो लिच्छवी राज विशाल गणराज्य के संस्थापक रहे अर्थात ये दोनों की ठंडी दोनों सहोदर भाई कि मैंने रहे कई द्वारे लिच्छवी कहियो कने भलगो रहे कहियो झुटबो करे कहियो एक ही संगे रहे तो लिच्छवी या मैंने मिथिला दोनों एक ही संगे रहे कई द्वारे हम मैंने आप बहुत समय हासिल कर लेने का कहीं मौन हो जाए या ना बात मौन हो जी होगा लगा तो हमारा बहुत खतरा रहे जब मैंने और उनकी नहीं होती है तेरी अपन बात के मैंने कि पहले कर के छोट भाई तो हम आगे मैंने कोई समय के इतिहास के कालखंड वही द्वारे कहलों जे हमरा सब के कारण से वा हमरा सब के अयोग्यता के कारण से मिथिला के पतन नहीं है। मिथिला के पतन कोनो आक्रामक शासक शासक के वा कोनो मायने अपहरणकर्ता के वा कोनो विस्तारवादी के कारण से मायने मिथिला के पतन भेले। जहाँ तक भाषा के सवाल थोड़े मायने हम तो अपन बात रख चाह भाषा के उत्थान पतन के संसार व्यापी एक ट्रेंड चल रहा है। वो संस्कृत भाषा तकर बाद संस्कृत भाषा के क्रमशः मैंने कि जयदेव के बात कहल थी प्रदीप बाबू जयदेव लक्ष्मण सेन के समय में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव के मैंने कि कहे जे उद्भव रहे जे जयदेव मतलब कि कहे जे संस्कृत साहित्य के उत्तरार्ध काल में बहुत योगदान कर रहे हैं जयदेव खास कर लक्ष्मण सेन के समय में जे सेन वंश के अधीन में ये राज्य अर्थात मैंने चूरे बाला क्षेत्र भित्री मधेस एकरा कहि कहा मैं चूरे बाला क्षेत्र कहियो ओ सेन वंश के अधीन में विजयपुर चंदकी से लगभग भुटोल तक की दीदी बीच के भाग सेन वंश के अधीन में रहले। अइ माने में भाषा ओकरा समय में संस्कृत रहे जेकर बाद नवम शताब्दी के शुरू से मैंने ये कहल छ जे अप्राकृत होय अवहट अवहट के बाद अपभ्रंश होय ई मैले मैथिली भाषा के विकास के क्रम शुरू भले। भाषा के उत्थान पतन की कारण मूल जेल में जाओ हमारा कारण से भले या प्रिय मैथिली ब्राह्मण आकर के शिक्षण के कारण से भले वा मैंने अन्य कारण से भले भविष्य के कोनो रास्ता बनवे काल में भूत के यदि ठीक से सम्यक रूप से बुझने नहीं रहे तब भविष्य के रास्ता निर्धारण करने में समस्या हो जाती है। कई द्वारा मैंने कि कौन सी इतिहास के कभी न कभी छाए पड़े मिथिला की स्थापना के जहाँ तक सवाल थे हमारा लगे अखन तक जो मैंने इतिहास प्रकाश में आए थे वही अनुसार मनु वैवस्वत के पुत्र इच्छाकु आ इच्छाकु के पुत्र निमि द्वारा मिथिला के अर्थात गंडक से पूर्व आ कोशी से पश्चिम के भाग के से मैंने राज्य की स्थापना तत्कालीन समय में समय के हिसाब से कम तो विभिन्न गणना के मैंने हिसाब से लगे यदि 5000 वर्ष लगभग पूर्व में मिथिला राज्य तत्कालीन अवस्था में मैंने की पहली स्थापना भेल रहते आ ओकर अस्तित्व मोटा मोटी 56 पुस्तक प्रदीप जी कभी कभी सुने पर हम जो मैंने की पहली कुछ ऐतिहासिक तथ्य के बारे में ध्यान आकर्षण कर 56 पुस्तक जो मैंने अपन राज्य निष्कंटक रूप में मैंने की पहुंचे चलो जनक के वंशज रहते।